टी सिंहदेव को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उपमुख्यमंत्री बनाने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार मुख्यमंत्री का है, राज्यपाल का है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हिटलर शाही और एकला चलो की नीति से जनता त्रस्त है और कांग्रेस के अंदर इसको लेकर अंतर कलह मचा हुआ है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पौने 5 साल तक जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने प्रताड़ित कर किनारे कर दिया, दाऊ भूपेश बघेल की तानाशाही के कारण जिस व्यक्ति ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसे चुनाव देखकर उपमुख्यमंत्री पद पर संविदा नियुक्त दे दी गई है। पहली बात तो ये है कि ये जो आदेश निकला है कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, कांग्रेस पार्टी को उपमुख्यमंत्री बनाने का अधिकार है नहीं, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल को इसका अधिकार है। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। और तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चला चली की बेला में ये उप मुख्यमंत्री बना के कांग्रेस के अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उस झगड़े से निपटने का प्रयास हुआ है, निश्चित रूप से ये स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी आज डरी हुई है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस के लिए आक्रोश है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, कोयला घोटाला उजागर हुआ है, विकास के सारे काम ठप हुए हैं और जनता में जो आक्रोश है वो उससे कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल घबराए हुए हैं और इसलिए इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा है। बिल्कुल भी किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ से आउट करने का निर्णय तय कर रखा है, इसलिए इस प्रयास से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। हमें लगता है जो बात हम पहले से कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वेच्छाचारिता, उनकी हिटलर शाही, उनकी एकला चलो की नीति से पूरे प्रदेश की जनता भी त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के आंतरिक कलह मचा हुआ था। और जो भ्रष्टाचार का आरोप हम लगा रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, उस चेहरे को इतना बदरंग वो चेहरा हो गया था, उस चेहरे को वास करने के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। पौने 5 साल जिस व्यक्ति को प्रताड़ित करके किनारे रख दिया गया, जिसने अपने एक मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसको केंद्रीय नेतृत्व ने 60 दिन के लिए अधिकार बना दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरगुजा की या छत्तीसगढ़ की स्वाभिमानी जनता को यह निर्णय पसंद आएगा।